हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल और सारी ट्रेंडी ज्वेलरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सो गाइस, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने एक नेकलेस मंगाया था जो कि मुझे इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुआ है और अंदर से इस तरह से पैक है ये। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस, लुक एट दिस नेकलेस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आप इसकी डिजाइन देख सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रिटी है और ये बहुत ही प्यारा पीस है। क्वालिटी वाइज भी इट इज सो गुड एंड प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं था। सारे प्रोडक्ट के प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, साथ ही साथ सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और गाइस, वियर करने के बाद ये जो नेकलेस है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये। एंड ये आपकी किसी भी आउटफिट में चार चांद लगा देगा। गाइस, आप कोई भी सॉलिड कलर की कुर्ती के साथ ये नेकलेस वेयर करेंगे ना, सो आपका लुक जो है बढ़ जाने वाला है। दिस इज सो सो ब्यूटीफुल। डीप नेक की कोई कुर्ती पहनते हैं या फिर आप कोई भी आउटफिट पहनते हैं जिसका नेक जो है डीप है, उसके साथ आप इस नेकलेस को वेयर कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा ये। एंड गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड प्राइस भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं था, 250 या 300 रुपीज़ का था ये। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो गाइस, इसके साथ ये इयर रिंग मिले हैं और ये जो इयर रिंग है ये भी बहुत ही क्यूट है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो आप इसे अलग से भी वियर कर सकते हैं। इस नेकलेस को पहनने के बाद आई डोंट थिंक कि इयर रिंग पहनने की ज़रूरत है, ये अपने आप में ही इतना ब्यूटीफुल पीस है। सो गाइस, ये नेकलेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये वाला नेकलेस ट्राई करिए, बहुत ही प्यारा पीस है। सो गाइस, नेक्स्ट ये मैंने इयर रिंग मंगाए हैं और ये इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में रिसीव हुआ है। और ये वाले जो इयर रिंग है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, दैट्स वाई मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो गाइस, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये इयर रिंग मंगाए थे ना, तो उसमें से ये एक दो लड़ी निकली हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसे मैं रिटर्न कर देती हूँ। देन ये मुझे काफ़ी प्रिटी लगा तो मैंने इसे रख लिया। मैंने इसकी क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बिग लगे। पिक्चर में देखने में मुझे इतने ज़्यादा बिग नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा रिटर्न कर देती हूँ। बट देन मैंने इन्हें वियर करा और वियर करने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगे। देन मैंने एक्सचेंज किया, देन सेकेंड टाइम ये बिल्कुल सही आया है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे वियर करके। एंड दिस इयर रिंग इज सो 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 ब्यूटीफुल। आपने ये इयर रिंग सारे लोगों को पहने हुए देखा होगा, दैट्स व्हाई मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। चलिए मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस, इस इयर रिंग में ना कुछ इस तरह का पेच मिला है प्लास्टिक का, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसकी वजह से ना ये बार बार निकल जाता है। थोड़ा इसका पेच डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि ये इयर रिंग जो है काफ़ी हैवी है, तो जो प्लास्टिक के पेच दे रखे ना वो इसका वेट कैरी नहीं कर पाते, तो ये बार बार निकल जा रहे हैं। एंड गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी है, इनकी लेंथ यहाँ तक आ रही है। एंड गाइस, इस इयर रिंग के चक्कर में मुझे डांट भी पड़ गई, जब मेरी मॉम ने ये इयर रिंग देखे तो उन्होंने कहा इतने बड़े इयर रिंग करेगी क्या। तो गाइस, आई नो रियलिटी में इतने बड़े इयर रिंग्स पहनना थोड़ा सा और लगता है, पर ये इयर रिंग पहन कर जब आप पिक्चर्स क्लिक कराएंगे या फिर आपको कोई वीडियो बनानी है, रील्स बनानी है, तो उसमें ये इयर रिंग्स जो है बहुत ज़्यादा प्रिटी आएंगे, दैट्स वाई मैंने इसे रख लिया। सो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रिटी है, लेकिन गाइस ये लाइट वेट नहीं है, सो लॉन्ग टाइम तक आप इसे वियर करके नहीं रख सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए आप इसे वियर कर सकते हैं, बट जितने ज़्यादा ये बड़े हैं उसके हिसाब से इतने ज़्यादा हैवी नहीं है। हाँ, बट पूरे लाइट वेट भी नहीं है, इसमें वेट है, तो लॉन्ग टाइम तक आप इसे कैरी नहीं कर पाएंगे। और ये कुर्ती के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। आप कोई भी एथनिक ड्रेस पहनते हैं, सूट पहनते हैं, कुर्ती पहनते हैं, वाइट कुर्ती पहनते हैं, उसके साथ ही ये जो झुमकी है ना बहुत प्यारी लगेंगी।
गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ज्वेलरी ट्राई करूं फ्रॉम मीशो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बता सकते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट हॉल में मैं वो ज्वेलरी जरूर ट्राई करूंगी। नेक्स्ट गाइस मैंने एक और इयररिंग मंगाए हैं, ये कुछ अफगानी इयररिंग्स हैं और ये वाला इयररिंग ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। बट ये ना बस थोड़ा सा इसकी चैन की वजह से ना ये थोड़ा सा वो हो जाता है। सो गाइस इसमें ना चेन दे रखी है जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा एक दूसरे में अटक जाता है। इयररिंग है ना बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है और अमेजोन पर ये 300 के थे तो मैंने विशलिस्ट कर रखा था बट मैंने उसे बाय नहीं किया। बट एक दिन मुझे मीशो पर ये दिख गए 150 रुपीज के थे आई थिंक, सो मैंने इसे बाय कर लिया। एंड गाइस आप देख सकते हैं ये वाली इयररिंग है, ये इयररिंग्स बहुत 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 ही ज़्यादा प्रीटी है, साथ में इसके इतनी बड़ी चेन दे रखी है दोनों इयररिंग्स में और ये डबल चेन है और बस एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपस में अटक जाता है। सो आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी डिज़ाइन है, मैं इसे वियर करके दिखाती हूँ और इसे शायद अफगानी इयररिंग्स बोलते हैं और वियर करने के बाद दोस्तों ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, मैं अभी आपको वियर करके दिखाती हूँ। एंड गाइस मैंने ये वियर कर लिए हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी इयररिंग्स हैं और इनकी खास बात दोस्तों ये है कि ये इयररिंग जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अभी जो मैंने आपको झुमकी दिखाई ना उसे मैंने अभी थोड़ी देर ही वियर किया है और मेरे कान में दर्द होने लगा दोस्तों, बट गाइस ये वाली इयररिंग जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, साथ ही साथ बहुत ही प्रिटी डिज़ाइन है इसमें। ये जो छोटी 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 झुमकी लगी हुई है ना ये बहुत ही प्रिटी लग रही है, साथ में ये चेन दे रखी है जिसमें ये दो छोटी छोटी झुमकी हैं और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, दैट्स वाई आप इसे लॉन्ग टाइम तक कैरी कर सकते हैं, बहुत प्रिटी है। और ये इयररिंग भी आपके किसी भी तरह के आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, एथनिक वियर के साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा और ये इयररिंग मुझे बहुत ही प्रिटी लगा वियर करने के बाद। दोस्तों आप इस इयररिंग से अपना हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं, इसे इस तरह से पीछे पिनअप करके दोनों साइड से, जब आप इसे इस तरह से पीछे पिनअप कर लेंगे तो आपका एक बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल भी बन जाएगा। आप किसी फंक्शन में शरारा सूट पहनते हैं या कोई हैवी सूट पहनते हैं तो उसके साथ आप इस इयररिंग को अपने हेयर स्टाइल में भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही प्रिटी इयररिंग है और एक मस्ट हैव इयररिंग है, बहुत ही प्यारा है दोस्तों एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट ईयर मैंने एक और नेक पीस मंगाया और ये नेक पीस मैंने काफी टाइम से विस्ट्रेस कर रखा था तो ये मुझे बहुत पसंद आया था दोस्तों, बट मुझे इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने इसे बाय नहीं किया था। बट देन मुझे इतने कम प्राइस में ही ये नेकपीस दिख गया, देन मैंने इसे ऑर्डर कर दिया और ये वाला नेकपीस ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। गाइस आप ये नेकपीस देख सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप इस नेकपीस को भी काफ़ी सारे आउटफिट के साथ वियर कर सकते हैं और बहुत ही प्रिटी है। अगर आप डीप नेक की कोई आउटफिट पहनते हैं तो उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नेक पीस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो अगर आप कोई कुर्ती पहनते हैं जिसका नेक जो है डीप है या फिर ब्लाउज पहनते हैं, कुछ भी आप ऐसा वियर करते हैं जिसका नेक जो है आगे से वी हो या फिर डीप नेक हो, तो उसके साथ ये नेक पीस जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा, मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नेक पीस है। और अगर आप सिंपल कोई आउटफिट पहनते हैं, सिंपल कुर्ती पहनते हैं, उसके साथ सिर्फ आप ये नेक पीस वियर कर लेंगे तो आपका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और गाइस मुझे ये नेक पीस बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है ये वाला नेक पीस ना, आपके लुक को चार चांद लगा देगा, आप कितनी भी सिंपल आउटफिट वियर कर लीजिए एंड उसके साथ ये नेक पीस वियर कर लीजिए और आपका लुक जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। सो मुझे तो ये नेक पीस बहुत पसंद आया एंड मैं ये नेक पीस भी आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही प्रिटी और बहुत सुंदर नेक पीस है। क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, इससे आपको पीछे बांधना है जिसकी वजह से आप इजीली अपने नेक के साइज के हिसाब से इस नेक पीस को एडजस्ट कर सकते हैं
और ये वाला जो इसका डिजाइन है ना, ये बहुत ज्यादा प्रिटी है। और इस तरह की ज्वेलरी ना आपको एक डिफरेंट लुक देती है। तो जितनी भी ज्वेलरी मैंने आपको इस हॉल में दिखाई है दोस्तों, सारी ही यूनिक है, आपको एक डिफरेंट लुक देगी। ये वाला नेकपीस देख सकते हैं, ये बहुत ही डिफरेंट नेकपीस है। एंड गाइस, अगर आप किसी सिंपल प्लेन साड़ी के साथ भी ना ये नेकलेस वेयर करेंगे तो आप देखेंगे आपका लुक जो है 10 times बढ़ जाने वाला है। तो एक मस्ट हैव नेकलेस पीस है। क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी, जितने प्रोडक्ट मैं आपको इस हॉल में दिखा रही हूँ सबकी क्वालिटी 10/10 लगी मुझे। बस थोड़ी सी झुमके की क्वालिटी में मुझे डाउट लगा, क्योंकि वो बार बार गिर जाता है एंड बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, तो वियर करने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी अभी तक मैंने जितनी भी ज्वेलरी पीस दिखाई है सारी अमेजिंग है, और सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है दोस्तों, वो है ये नोज पिंस। और ये नोज पिंस भी मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गए। इस तरह के छोटू से बॉक्स में आई थी, और इसमें ये पॉलिथीन में है ये नोज पिंस, और इसमें है ये गाइस, ये 5 नोज पिन का सेट है। और अगर आपको नोज पिन वियर करना पसंद है तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये 5 ब्यूटीफुल डिजाइन मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला डिजाइन बहुत ही प्रिटी डिजाइन है। सो गाइस, आपको ना इस सेट में बहुत ही प्रिटी डिजाइन मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये वाला डिजाइन देख सकते हैं, ये वाला डिजाइन जो है काफी बिग है, तो आपको हर टाइप का डिजाइन इस सेट में मिल जाएगा। और ये वाला डिजाइन देखिए, ये सर्कुलर डिजाइन है और बहुत प्रिटी है। एंड नेक्स्ट है कुछ फ्लावर डिजाइन है ये दोस्तों, और मैंने ऑलरेडी नोज पिन पहन रखी है इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसे वियर करने में। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये वाला डिजाइन जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, फ्लावर डिजाइन है, और वियर करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। क्वालिटी भी दोस्तों अच्छी है, इतनी बेकार क्वालिटी नहीं है। गाइस, ये वाला नोज पिन का डिजाइन मुझे बहुत प्रिटी लगा, क्योंकि इसका साइज भी एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा बड़ा है ना छोटा है। सो गाइस, अगर आपको नोज पिन वियर करना पसंद है तो ये सेट आप जरूर बाय करिएगा। डिजाइन आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी है, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है, सारे ही डिजाइन दोस्तों काफी प्रिटी है। नेक्स्ट वाला डिजाइन जो है ये बहुत ही बिग डिजाइन है दोस्तों, और सबके फेस के अकॉर्डिंग दोस्तों अलग अलग डिजाइन अच्छे लगते हैं, तो इसमें आपको हर टाइप का डिजाइन मिल जाएगा, तो आप डिफरेंट डिफरेंट लुक ट्राई कर सकते हैं। सो ये काफी बिग डिजाइन है, तो ये मेरे फेस पर इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट मे बी आपके फेस पर अच्छा लगे। और ये जो लास्ट डिजाइन है दोस्तों, ये मेरा फेवरेट है, और ये वाला डिजाइन आप देखेंगे ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और पर्सनली मुझे यही वाला डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया। और आप देख सकते हैं ये वाला डिजाइन, ये बहुत ही प्रिटी डिजाइन है और बहुत प्यारा लगता है। आप सिंपली भी इसे डेली वेयर में कैरी कर सकते हैं। नोजपिन का सेट भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तो अगर आप नोजपिन में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वाला सेट भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, बंजारा नोजपिन्स का सेट मंगाया है मैंने, ये इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में रिसीव हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो गाइस, इसमें 6 नोज पिन आपको मिल जाएंगे, और इस तरह से ये छोटी छोटी पॉलिथीन में है, और ये डिजाइन्स ना बहुत ही प्रिटी है। महाराष्ट्रियन नोज पिन का डिजाइन है दोस्तों सिल्वर में, तो अगर आपको सिल्वर में महाराष्ट्रियन नोज पिन ट्राई करनी है तो इसमें आपको हर तरह का डिजाइन मिल जाएगा। बहुत ही प्रिटी नोज पिन है दोस्तों, और मैं सारे आपको वियर करके नहीं दिखाऊंगी, इसमें से मैं कुछ आपको वियर करके दिखा देती हूँ। और ऑलरेडी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने ये नोज पिन अभी जो मैंने पहले दिखाई और ये वाली नोज पिन वियर करके शेयर की हुई है, तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी मैं आपको एक वियर करके दिखा देती हूँ, इसका डिजाइन मुझे बहुत प्रिटी लगा था। ये वाला आपको 6 मिल जाएंगे इस सेट में, पीछे से कुछ इस तरह का होता है, तो इसके लिए आपको पियर्सिंग गाइस ये टूट गया, तो गाइस इतने कम प्राइस में ये आपको 6 नोज पिंस मिलते हैं, तो क्वालिटी इसकी ऐसे ही है, बहुत डेलिकेट है, बहुत ध्यान से आपको यूज करना है। और मैंने इसे यूज किया हुआ है, मैंने इसे काफी पहले मंगाया था और ये अभी टूट गया। चलिए मैं आपको दूसरा वियर करके दिखा देती हूँ। इस तरह के नोज पिन में इंटरेस्ट है ना, तो आप ये सेट ट्राई कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है, बट या
आपको फोटोज क्लिक करनी है, शॉर्ट टाइम के लिए पहनना है, वैसे भी नोज पिन कोई लॉन्ग टाइम के लिए नहीं वियर करता है, तो ट्राई करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लुक ट्राई करने के लिए आप ये सेट ट्राई कर सकते हैं। और क्वालिटी तो आपने देख ही ली, ज़्यादा अगर आप इसे फोर्स करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का है दोस्तों। वर में अगर आपको पसंद है इस तरह के नोज पिन तो आप ये सेट ट्राई कर सकते हैं। गोल्डन में भी इस तरह के नोज पिन आते हैं। सो गाइस, मैंने ये सेट काफ़ी टाइम पहले बाय किया था और इसकी वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है और आप डिफरेंट डिफरेंट लुक ट्राई करते हैं तो आप ये सेट बाय कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा बैड क्वालिटी भी नहीं है दोस्तों, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर आप ध्यान से कैरी करेंगे तो ये इतनी जल्दी टूटेगा भी नहीं। एंड गाइस, आपको कौन सी ज्वेलरी पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह की और हॉल वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।